हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रीन लव में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गुलदाउदी का ये प्लांट। तो ये देखिए कितने फ्लावर होंगे उसमें, मैक्सिमम 12-15 फ्लावर तो होंगे इसमें, और अच्छे बड़े साइज के फ्लावर हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये देखिए, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने कोकोपीट में, ये खाली कोकोपीट में ग्रो की हुई कटिंग है, और ये सितंबर अक्टूबर में मैंने ग्रो की थी। 7-8 इंच की होगी मुश्किल से कटिंग। तो ये देखिए, अगर इससे हमें प्रूव हो जाता है, अगर आपके पास बाय चांस मिट्टी नहीं है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट अवेलेबल है तो आप कोकोपीट में भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए कितने छोटे पॉट में, पॉट भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपकी कटिंग चल पड़ी है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका प्लांट आपको फ्लावरिंग खूब देगा। ये देखिए जैसे मेरे इसमें आई हुई हैं, कम से कम 12-13 फ्लावर आए हुए हैं, और साइज भी उतना ही बड़ा है जितना कि बड़े पॉट में लगे हुए गुलदाउदी का है। तो प्लांट के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर उसको छोटे प्लांट छोटे पॉट में लगा रखा है, मिट्टी में नहीं लगा रखा है, देखिए कोकोपीट में लगा रखा है, बाकी जब मस्टर्ड केक वगैरह जब हम और प्लांट्स को देते हैं तो इसको भी देते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोयललेस मीडिया में भी आप ग्रो कर सकते हैं प्लांट, ऐसी बात नहीं है। और ये आपको छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल हल्का हो गया था, सूख गई थी कोकोपीट बिल्कुल, तो इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत थी। ये देखो बिल्कुल वेल ड्रेन होते हैं ना कोकोपीट, तो और इसके वेट से ये लुढ़के जा रहा था पोट। तो इसमें मैंने अब स्टिक करके और इसको मैं टाई कर दूंगी ताकि सेंटर में रहे प्लांट भी और गिरे ना प्लांट पोट। तो ये छोटे जो प्लांट आपको दिख रहे हैं, मैं बता रही थी आपको, ये कड़ी पत्ता के हैं। कड़ी पत्ता पे जब पर्पल कलर के सीड्स हो जाते हैं ना तैयार, तो जामुन जैसे, तो उनको तोड़ के उनके जो सीड्स निकलते हैं अंदर से उनको दबा देना चाहिए मिट्टी में या कोकोपीट में। ये मैंने इसी में ही छोड़ दिए थे, कोकोपीट में ही। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े ये हो रहे हैं, तो इनको भी मैं जब टाइम मिलेगा तो इनको भी मैं बड़े पॉट में किसी में लगा दूंगी, इसको सैपलिंग को। तो ये देखिए है ना, अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पॉट में। अगर आप बड़े साइज का पॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और कोकोपीट लेना चाहें ले सकते हैं। ये नहीं कि आपका प्लांट नहीं चलेगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप कोकोपीट में भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं और वो आपको भरपूर फ्लावरिंग देगा। ये देखिए 5-6 इंच से ज़्यादा का पॉट नहीं है, ये नर्सरी से जो हमें प्लांट लगे हुए मिलते हैं वो पॉट मेरे पास पड़ा था, तो मैंने इसी में ही एक्सपेरिमेंट करके देखा कि देखते हैं, और ये मेरा 100% सक्सेसफुल भी रहा है ना। अगर आपके पास स्पेस कम है तो यू कैन ग्रो इन कोकोपीट ऑल्सो एंड इन स्मॉल पॉट, ठीक है ना। ये देखिए, और कहीं भी कोई भी मतलब कमी नहीं है प्लांट में। अगर प्लांट में मतलब कोई असर नहीं है कोकोपीट का और छोटे पॉट का, कोई ही नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इसका। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं अब इनको भी निकाल लूँगी, सैपलिंग जो है कड़ी पत्ते की, तो इसको और भी स्पेस मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये आइडिया मेरा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अपने गार्डन में ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।